भाजपा सरकार का गाय प्रेम वैसे तो जग जाहिर है, लेकिन हाल ही में भाजपा ने इस प्रेम रूपी माला में एक अनमोल मोती पिरो दिया है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि गायों की सुरक्षा के लिए एक नया पुलिस बल गौरक्षक पुलिस फोर्स GRPF बनाया जाएगा। इस फोर्स में 2,00,000 जवानों की भर्ती की जाएगी और इस भर्ती की परीक्षा UPSC आयोजित कराएगा। इस बारे में जब हमने GRPF चयन बोर्ड के सचिव श्याम गोपाल जी से पूछा कि GRPF के लिए बजट कहां से आएगा, तो उन्होंने बताया कि जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार एक नया टैक्स लागू कर रही है, गौ सेवा टैक्स GST, तो उसी का सारा पैसा लगाया जाएगा GRPF बनाने में। इसके बाद GRPF के गठन के बारे में विस्तार में बताते हुए उन्होंने कहा कि गौरक्षकों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ग्रेड ए के गौरक्षकों की न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी PhD और वो भी काउ साइकोलॉजी में। ग्रेड ए के गौरक्षक गाय को देखते ही बता सकेंगे कि गाय सुखी है या दुखी। गायों से बात करना, गायों की मनोव्यथा को समझना, उन्हें सांत्वना देना, उन्हें मानसिक रूप से प्रबल बनाना और आत्मरक्षा सिखाना इस श्रेणी के अफसरों का अहम कार्य रहेगा। ग्रेड बी के गौरक्षक कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। इनका काम होगा गायों को नए जमाने के अनुसार ढालना। अक्सर देखा गया है कि गाय सड़क और पटरियों के बीच बैठ जाती है, ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकती, कहीं भी गोबर कर देती है, प्लास्टिक की थैलियां खाने लग जाती है। गायों के इस प्रकार के गंवारपन को दूर करना इस श्रेणी के कर्मचारियों का प्रमुख कार्य होगा। इसके अलावा गर्मियों में गायों को धूप के चश्मे, टोपी और सर्दियों में कंबल बांटना जैसे अनेक कार्य भी इस श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा किए जाएंगे। ग्रेड सी के गौरक्षकों के लिए कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन नहीं है, उन्हें बस लाठी डंडे और चकू तलवार चलानी आनी चाहिए और रात को जगना आना चाहिए। गाड़ियों के पीछे भगाकर इनका रनन टेस्ट लिया जाएगा। इन्हें बस गाय पे एक निबंध लिखना पड़ेगा, गाय हमारी माता है टाइप। GRPF की यही श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है। अभी भी इस श्रेणी के बहुत से गैर सरकारी जवान स्वैच्छिक रूप से अपने कार्य में जी जान से लगे हुए हैं और पुलिस की मदद के बिना कानून को अपने मजबूत कंधों पे उठा के अपना कार्य निपुणता से कर रहे हैं। इस बारे में जब हमने एक स्वप्रशंसित गौरक्षक गोपाल दास जी से बात की तो उन्होंने अति हर्ष और उल्लास के साथ हमें बताया कि या से भरिया बात और क्या हो सकेगी। जो काम हम ऐसे ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए करते थे, अब्बा के पैसे भी मिलेंगे। आखिर गौ माता ने हमारी सुन ही ली, बस एक निबंध लिखने में थोड़ी परेशानी है। उनका है कि गायों के बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है ना। यह खबर सुनने के बाद देश के सभी तबेले कोचिंग क्लासेज में बदल गए हैं और काउ साइकोलॉजी पे PhD करने वालों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। काउ पिछले 2 दिनों में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करे जाने वाला शब्द बन गया है। अब गूगल पे काउ लिखते ही आगे आ जाता है हाउ टू नो योर काउ। अब देखना यह है कि क्या GRPF गायों को उनका हक दिला पाएगी या हर बार की तरह इस बार भी खा लिया जाएगा उनका चारा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।